प्रश्न 19, यदि फलन एफ एक्स बराबर अंडर रूट एक प्लस एक्स माइनस क्यूब रूट एक प्लस एक्स बटे एक्स हो, बिंदु एक्स बराबर जीरो पर स्वतंत्र है, तो एफ जीरो का मान ज्ञात कीजिए। एफ जीरो अर्थात फलन का बिंदु एक्स बराबर जीरो पर मान। अब हम जानते हैं कि यदि यह फलन x बराबर जीरो पर संतत है, कंटिन्यूअस है, तो इससे अभिप्राय यह होगा कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हैं और वो मान f जीरो के बराबर होगा। तो हम फलन की जो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों को ज्ञात कर सकते हैं। हम कोई भी एक लिमिट ज्ञात कर लेते हैं, वही मान f जीरो का होगा, फलन का बिंदु x बराबर जीरो पर मान होगा। तो हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, राइट हैंड लिमिट दाई सीमा ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए हमें x को किससे रिप्लेस करना है, जीरो प्लस h से रिप्लेस करना है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक प्लस h माइनस क्यूब रूट एक प्लस h बटे h। हमने x को 0 प्लस h अर्थात h से ही रिप्लेस कर दिया। यह हमारा RHL दाई सीमा का मान होगा और यही मान f0 का होगा क्योंकि फलन संतत है। अब हम बाइनोमियल थ्योरम से जानते हैं कि 1 प्लस x की पावर n, इसका प्रसार होता है 1 प्लस nx प्लस एन इंटू एन माइनस एक अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, और ये क्रम अनंत तक जाता है 1 प्लस एक्स की पावर एन के प्रसार में। इस एक्सपेंशन में ये मान अनंत तक जाता है जहां एक्स का मान, एक्स का मॉडुलस एक से कम होना चाहिए। अब इसका यदि हम प्रयोग करें 1 प्लस एच के अंडर रूट में, तो हम कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये तो हम लिखेंगे इसको, और इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 1/3, ये क्यूब रूट को लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, प्रसार क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 एक्स, एन एक्स का मान हो गया, प्लस एन 1/2 इंटू एन माइनस 1 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर, क्योंकि हम एच का प्रसार कर रहे हैं तो यहां भी एच ले लेते हैं, प्लस, और ये क्रम अनंत तक है, माइनस क्यूब रूट का करें तो यहां एन का मान 1/3 हो जाएगा, 1 प्लस 1/3 एच एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर, और ये क्रम अनंत तक होगा, बटे h, ये मान हमने प्राप्त किया। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब एक से ये एक कैंसिल हो रहा है, एक से ये माइनस का एक है कैंसिल हो गया, तो इसको तो हमने कर दिया कैंसिल। h के पद देखें तो 1/2 तो यहां है, माइनस का 1/3 यहां है, तो 1/2 माइनस 1/3 इंटू एच, ये तो हमारा एच के पद आ गए, प्लस यहां क्या आएगा, 1/2 इंटू माइनस 1/2 अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3 माइनस का 2/3 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये हमारे कोफिशियंट क्या बना, एच स्क्वायर का, और ये क्रम
इस प्रकार से है बटे एच। अब अंश में हम एच कॉमन ले सकते हैं तो वो इस एच को कैंसिल कर देगा, काट देगा। तो यहां तो एच जब कैंसिल होगा तो केवल ये संख्यात्मक मान रह गया एक बटा दो माइनस एक बटा तीन, और शेष पदों में जब एच स्क्वायर में एच का भाग लगेगा तो एच रह जाएगा। इसी प्रकार अगले पद में एच क्यूब होगा, वो जब एच का भाग लगेगा तो एच स्क्वायर बन जाएगा, उन सब में एच रहेंगे। अर्थात जो प्लस के आगे की संख्याएं हम प्राप्त कर रहे हैं उन सब में एच रहेगा, और एच क्योंकि टेंड्स टू जीरो है तो वो मान सब जीरो हो जाएगा। तो मान जो संख्यात्मक मान रह जाएगा वो रह जाएगा एक बटा दो माइनस एक बटा तीन। पुनः समझ लेते हैं, जब एच का हमने भाग लगाया पहले पद में तो वो एक बटा दो माइनस एक बटा तीन आ गया, शेष पदों में जब लगाएंगे तो उनमें प्रत्येक में एच रहेगा। एच क्योंकि टेंड्स टू जीरो है इसलिए वो सब मान जीरो के बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक बटा दो माइनस एक बटा तीन, छह हो गया लघुत्तम, तीन माइनस दो अर्थात ये मान आ गया एक बटा छह के बराबर। ये हमने राइट हैंड लिमिट प्राप्त की है। अब क्योंकि फलन हम देख चुके हैं संतत है इसलिए एफ जीरो का मान भी यही होगा, क्योंकि फलन संतत है, राइट हैंड लिमिट, फलन का एक्स बराबर जीरो पर मान, फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट सब बराबर होंगी, तो इसलिए एफ जीरो बराबर है एक बटा छह।